हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज हम सीखने वाले हैं कि एलिमेंटर की टैब पिक में हम लोग कैसे इमेज इंसर्ट करते हैं। टैब में हम लोग टेक्स्ट तो इंसर्ट कर लेते हैं, लेकिन इमेज कोई इंसर्ट जल्दी नहीं कर पाता है। तो आज हम लोग टैब विड्थ में इमेज इंसर्ट करके दिखाएंगे और कैसे हम लोग मल्टीपल इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, वो भी इजिली बिना किसी प्लगइन्स के हेल्प से। तो चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कैसे हम लोग इमेज इंसर्ट करते हैं एलिमेंटर के टैब विड्थ में। तो यहाँ पर हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो कुछ ऐसी वेबसाइट है सर, जब नीचे आएंगे हम लोग तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पहले ही से एक टैब आपको दिख रही होगी, यहाँ पे एकदम बॉटम में आते पहले, तो यहाँ पहले से एक टैब बनी हुई है जहाँ पे देखिए पहली होम रेसिडेंस की है और फिर एक पालन ट्राइब की है। तो दोनों में आप देख सकते हैं, दोनों में टेक्स्ट है और एक सिंगल इमेज है। हमें करना क्या है, इसको एक गैलरी में कन्वर्ट करना है। जैसे पहले विड्स में, पहले टैब में मल्टीपल इमेज शो करें, फिर दूसरे टैब में दूसरे ग्रुप की मल्टीपल इमेज शो करें। तो सिंपली इसको करने के लिए इस पेज को हम एलिमेंटर से ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और पेज हम लोग का एलिमेंटर से ईजिली ओपन हो जाएगा। और ये ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग पेज में नीचे आते हैं एकदम बॉटम में, जहाँ पे हम लोग की टैब विड्थ थी। तो आपको दिखा देते हैं कि टैब विड्थ कहाँ से आती है। तो सिंपली प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और फिर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके एक ब्लैंक सेक्शन क्रिएट कर लेंगे। और क्रिएट करने के बाद वापस आएंगे एलिमेंटर स्टिक्स डॉट पर क्लिक कर लेंगे और सिंपली यहाँ सर्च कर लेंगे टैब। और यहाँ पहला ऑप्शन आ रहा है टैब्स का, तो ये एलिमेंटर से ही आ रहा है, कोई एलिमेंटर प्रो से नहीं आ रहा है। ये बेसिक फीचर होता है जो एलिमेंटर प्रोवाइड करता है। तो सिंपली इसको यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ड्रैग कर लिया है, तो एकदम देखिए एकदम डिफॉल्ट आ चुका है। और यहाँ देखिए कितना अच्छा आ रहा है। तो इसमें कुछ एडिट किया हुआ है, तो बता रहे थे क्या सेटिंग होती है टैब की। तो पहले टैब पर क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद मेन ऑप्शन आता है अलाइनमेंट का, कि जैसे यहाँ लेफ्ट में है और यहाँ सेंटर में था, तो इसको हम सेंटर में कर लेते हैं, सेंटर में सही लगता है। और सेंटर में करने के बाद जो इसका कंटेंट है वो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, जो इसकी हेडिंग है, हेडिंग यहाँ से कॉपी करके हेडिंग डाल लेते हैं। और पहले इसको स्टाइल कर लेते हैं, और स्टाइल करने के बाद हम लोग इमेज ऐड करेंगे जैसे थोड़ा देखने में अच्छा लगे। तो स्टाइल पर आ जाते हैं, और स्टाइल पाने के बाद जो आपको दिख रहा होगा ब्लैक, ये इसका बॉर्डर होता है। तो बॉर्डर थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, विजिबल हो थोड़ा। और बॉर्डर पर हम लोग यहाँ से कर लेते हैं ग्रीन, क्योंकि जो हम लोग का वेबसाइट का कलर कॉम्बिनेशन है वो ग्रीन और ब्लैक में है। तो ग्रीन कर लेते हैं इसको, ये थोड़ा बड़ा हो गया तो थोड़ा और छोटा कर लेते हैं बॉर्डर की विड्थ को, अब सही लग रहा है। और टैब टू में आते हैं और टैब टू कॉपी कंटेंट यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे आ चुके हैं और सिंपली यहाँ पे इसको हमने पेस्ट कर लिया है। और पेस्ट करने के बाद जो यहाँ का इसका टेक्स्ट है, डिस्क्रिप्शन है, उसको यहाँ से हटा लेंगे, क्योंकि हमको आप इमेज इंसर्ट करनी सिंपली, तो इसको हटा लिया है। तो पहले टैब पे वापस आते हैं, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। जो बेसिक स्टाइल थी वो हमने कर ली है, क्योंकि आप बॉर्डर कर सकते हैं। और बैकग्राउंड कलर में करना नहीं है, क्योंकि बैकग्राउंड कलर में वाइट ही रखना है। तो वापस कंटेंट पे आते हैं, और कंटेंट पे आने के बाद जो इसका डिस्क्रिप्शन है इसको यहाँ से दोबारा हटा लेते हैं। और हटाने के बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड मीडिया का, तो सिंपली इस पर क्लिक कर लेंगे। और क्लिक करने के बाद अपनी जो मल्टीपल इमेज है वो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपलोड भी कर सकते हो। तो हमने पहले ही से इमेज अपलोड कर रखी है, तो वही यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं। आपको ध्यान रखना है, आप जो भी इमेज इंपोर्ट करोगे उसकी हाइट और विड्थ सेम होनी चाहिए। जैसे पहली इमेज ये वाली है, इसकी हाइट देखिए 640 पिक्सल की है और जो विड्थ है वो 720 पिक्सल की है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी इमेज आप इंसर्ट करोगे सेम हाइट और सेम विड्थ की होगी। अगर आप हाइट और विड्थ चेंज करोगे तो गैलरी का साइज भी चेंज हो जाएगा। तो हम लोग सेम साइज ही रखा हुआ है, कैनवास बना लिया था हमने, तो सारी इमेज यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं। तो कंट्रोल के साथ क्लिक कर लेते हैं, और जिससे हम लोग सारी इमेज यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ हमने सारी इमेज सिलेक्ट कर ली है और सिंपली इसको यहाँ से इंसर्ट इनटू पोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी सारी इमेजेस आ चुकी हैं और सही फॉर्मेट भी आ रही है। इसी तरह हम लोग दूसरे टैब में भी इमेजेस लगा सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो भी इमेज यहाँ पे आ रही है सही फॉर्मेट नहीं आ रही है, सारी इमेज एक के ऊपर एक आ रही है और बिल्कुल भी गैप नहीं है। तो इसको हम लोग सही कर सकते हैं। तो इसको सही करने का तरीका आपको बता देते हैं। हम लोग नए टैब पर आते हैं, इस पर करके दिखाते हैं आपको। ये होम का, होम ड्राइव का है, इस पर क्लिक कर लिया है और ऐड मीडिया पर जाएंगे। हमने वहाँ पर किया गया था डायरेक्ट इमेज यहाँ से कंट्रोल करके अपलोड कर दी थी, हमें ये नहीं करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्रिएट गैलरी का, आपको दिख रहा होगा लेफ्ट में, तो इस पर क्लिक करना है। हमें डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना है। अगर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो जो और ऑप्शन होते हैं वो हरे आएंगे और सारी इमेजेस एक साथ आ जाएंगी। तो सिंपली आप पहले क्लिक करना हो क्रिएट गैलरी पे, और क्रिएट गैलरी पे क्लिक करने के बाद ही हम इमेज यहाँ पे चूज करेंगे। तो यहाँ पे दोबारा वही सेम इमेज यहाँ पे चूज कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए। तो मल्टीपल इमेज यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर ली है। तो सिलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ न्यू गैलरी, तो इस पर क्लिक कर लेंगे।
तो देखिए हम लोग तीन स्टॉप्स यहाँ पे आ चुके हैं जो हम लोग का टैबलेट प्रोवाइड कर रहा है। पहला है अटैचमेंट फाइल और मीडिया फाइल, इसमें कुछ नहीं होता है, ये आपका एक लेआउट होता है, तो उसमें अटैचमेंट फाइल ही रखेंगे डिफॉल्ट। और दूसरा ऑप्शन आ रहा है कि आपके एक कॉलम में कितनी इमेजेस होगी, तो आप तीन भी कर सकते हैं और चार भी कर सकते हैं, लेकिन तीन सही रहता है तो तीन ही करेंगे। और थंबनेल तो वही रखेंगे थंबनेल, और सिंपली यहाँ पे इसको इंसर्ट कर लेंगे। अब देखिए अच्छे से फॉर्मेट में आएगा ये, तो यहाँ पे कोड आया है तो पहले उसको अपडेट कर लेते हैं, अपडेट हो रहा है, और इसको प्रीव्यू कर लेते हैं, अब देख कैसा पेज आ रहा है। नीचे आते हैं जहाँ हमने टैब इंसर्ट की थी, ये देखिए पहले हम लोग का ऐसे आ रहा था जहाँ कोई गैप नहीं था, और जो हमने अभी गैलरी से इंसर्ट किया है क्रिएट गैलरी करके तब हमने इमेज इंसर्ट की है, तो देखिए ऐसा आ रहा है। अब देख काफ़ी अच्छा आ रहा है। जो हमने थंबनेल किया है उसको फुल साइज कर लेते हैं, यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और फिर पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, और जो यहाँ पे थंबनेल था इसको हम लोग कर लेंगे लार्ज कर लेंगे और इसको अपडेट कर देंगे, फिर यहाँ दोबारा अपडेट कर लेंगे। और अपडेट करते ही अपना पेज ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा, देखिए रिफ्रेश हो चुका है। और एकदम बॉटम में आते हैं और नेट ऐप ओपन करते हैं, अब देखिए इमेज एकदम सही फॉर्मेट में आ रही है, गैप भी बराबर से आ रहा है और इमेज का साइज भी सेम आ रहा है। पहले हम लोग की ऐसी आई थी जहाँ पर कोई गैलरी क्रिएट नहीं की थी, डायरेक्ट इमेज इंसर्ट कर ली थी, और गैलरी क्रिएट करने बाद जब हमने इंसर्ट की है वो कुछ ऐसा आ रहा है। तो जब भी हम लोग इमेज इंसर्ट करेंगे टैब में अपने, तो गैलरी क्रिएट करेंगे और बिना गैलरी के हम लोग इमेज इंसर्ट नहीं करेंगे। तो यही होता है एक सही तरीका गैलरी बनाने का थ्रू टैब। तो इस तरह आप देख लिया है कैसे हम लोग एक गैलरी को टैब में इंसर्ट करते हैं। तो इस तरह हम लोग ने यहाँ पे टैब में मल्टीपल इमेज इंसर्ट कर लिए ऐसा गैलरी। तो इस तरह आप भी एक टैब क्रिएट कर सकते हैं, और क्रिएट करने के बाद उसमें गैलरी क्रिएट कर सकते हैं, और गैलरी क्रिएट करने के बाद उसमें आप इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो, और वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपको कोई भी टॉपिक पे दिक्कत आ रही है वर्डप्रेस पे तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। तो फिलहाल वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।